गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to 0 बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या लेके आए हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या चांस है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता है कि होने ही होगा ही। संभावना का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, लेकिन बस एक बात है कि जो टेंथ में पढ़ा है वही लेवल का बात होगा। टेंथ से थोड़ा सा क्वेश्चन में एडवांस आ सकता है, लेकिन थ्योरी सब वही है। समझ आ रहा है ना? और ट्वेल्थ में इसको डीपली पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन भी डीपली पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी भी ट्वेल्थ में बहुत डीपली पढ़ना है। समझ आ रहा बात है? लगभग इतना इतना थ्योरी में लगभग कंप्लीट है। वहां पे बहुत ट्वेल्थ में बहुत पढ़ना पड़ता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस्ट थ्योरम प्रोबेबिलिटी, या तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आ रहा है ना? इंडिपेंडेंट के बाद हो गया इंटरसेक्शन इवेंट, कॉमन इवेंट। समझ आ रहा है बात? तो ये सब चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वहां पे क्या होता है, बहुत चीजें पढ़ना पड़ता है। और यहाँ ट्वेल्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत कम है, तो जो हम लोग को जो पढ़ना पड़ता है ट्वेल्थ में, वहां बहुत डीपली में पढ़ना पड़ता है। और इस बार ट्वेल्थ का जो एग्जाम देने जा रहा होगा उन लोग को भी वो पढ़ना है। बेस्ट थ्योरम 5 नंबर में पूछेगा, समझ आ रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 3 नंबर में पूछेगा, समझ आ रहा है ना? इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये सब रहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए ट्वेल्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत कम पढ़ना है। ट्वेल्थ के रिस्पेक्ट में क्या करना है, यहाँ बहुत कम पढ़ना है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले क्या बात करते हैं, सैंपल स्पेस। और सबको पता होगा कि सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल रिजल्ट मिल सकता है। टोटल रिजल्ट मिले, मान लो एक क्वाइन को हम फेंके, तो क्वाइन को फेंकेंगे तो हमको तो कोई एक चीज चाहिए, लेकिन क्वाइन तुमको दोनों देगा। वो तो अपना जो देना है वो सब देगा, तुमको जो चाहिए वो ले। रोहित शर्मा मान लो टॉस उड़ाने गया, और रोहित शर्मा अगर टॉस उड़ाने गया तो बता दो उसको चाहिए हेड। लेकिन क्वाइन वहां थोड़ी बोल रहा है, रोहित बोल रहा है चाहे अगेंस्ट पार्टी बोल रहा है, वहां तो उसका क्वाइन का मतलब कुछ भी आ सकता है। तो रोहित के लिए जो है ना, रोहित के लिए जो हेड आना है, रोहित को हेड चाहिए, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो रोहित का फेवर में गिरे। और नीचे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्वाइन कितना तरह से आ सकता है। समझ आ रहा है? फिर देख लो, सिंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। कोई अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जितना तरीका से पॉसिबल रिजल्ट मिल सकता है, जितना तरीका से पॉसिबल आउटकम्स मिल सकता है। तो क्वाइन को जब फेंकेंगे 2 तरीका से मिल सकता है, लेकिन वही एगो डाई को फेंकेंगे, पासा को उछालेंगे, तो वहां 6 तरीका से मिल सकता है। तो वो सब सारा का सारा क्या है, सिंपल स्पेस। क्या कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वाइन इज टॉस, जब एक क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो हेड और टेल ही आएगा। क्लियर है? या तो तुम ये दिखाओ या तो शॉर्ट में लिखो। अच्छा, एस का मतलब होता है ना तुम दिखा रहा है क्या क्या आ रहा है, और एन एस का मतलब होता है डायरेक्ट उसका नंबर बात कर रहा है। अरे भैया, एस का मतलब होता है ना क्या क्या आ रहा है वो दिखा रहा है, और एन एस का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट गिनती बताएगा, क्या वो आया वो डायरेक्ट बताएगा। अरे एस का मतलब होता है क्या क्या आ रहा है वो भी दिखाएगा। तो एन एस का मतलब होता है एक क्वाइन में दो केगो क्वाइन ले रहा है, तो दो चीज आएगा। देखो, दो चीज आए, जब 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो एक में मान लो हेड आया तो दूसरा में भी हेड आ सकता है। पहला में हेड आया, दूसरा में टेल आएगा। पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आएगा। दूसरा में टेल आया, पहला में टेल आया, दूसरा में टेल आएगा। इस 4 तरीका से पॉसिबल है, इसको बोलते हैं सिंपल स्पेस। अगर ये तुम दिखाना नहीं चाहता है तो शॉर्ट ऐसे बोलो कि 1 क्वाइन में 2, और 2 को क्वाइन नहीं है, 4 डायरेक्ट। नहीं समझ आ रहा? अच्छा, 3 क्वाइन को जब फेंकेंगे तो याद कर हेड हेड हेड। अब सवाल है, 2024 वाला मॉडल सेट में डाला है, इसमें 3 क्वाइन वाला हम डाला है, हेड हेड टेल। अच्छा, 3 हेड मैक्सिमम जाएगा, 3 क्वाइन में 3 हेड मैक्सिमम जा सकता है, इसके बाद धीरे धीरे कम होगा, 2 हेड टेल। तो 2 हेड वाला भी बड़ी पॉसिबल है, शुरू में 2 हेड आया होगा, बाद में टेल आया होगा, या तो हेड, दूसरा लड़का टेल, तीसरा लड़का हेड, टेल हेड हेड। ऐसे ही करो, 2 हेड साइड से हुआ, 2 हेड लास्ट से हुआ, शुरुआत में 2 हेड शुरू में था, पहले लास्ट, फिर हेड दोनों बाद में, और लास्ट क्या होगा, 2 टेल।
या तो ये दिखाओ, या तो डायरेक्ट बोलो एनएस बराबर एक पॉइंट में दो टोटल तीन पॉइंट आठ हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? उसी तरह याद कर, डाई को अगर थ्रो करेंगे पासा को तो हमको लगता है एक दो तीन चार पांच छह वो देगा। तो या तो शॉर्ट में लिखो कि एक डाई में छह चीज आ सकता है, तो वैसा वैसा क्या डाई ले रहे, एक डाई में छह एक ले रहे छो होगा। अब दो डाई को फेंकेंगे तो भैया छत्तीस लिखना मुश्किल है, तो डाइट लिखो एक डाई में छह और दो डाई लेंगे तो दो छत्तीस। समझ आ रहा? अगर तीन डाइस लेंगे तो उतना लिख पाएगा, बहुत तीन डाइस में लिख पाएगा उतना होता। तो डाई लिखो एक डाई में छह तीन डाई 216। क्या समझ आ रहा है? ये सब सैंपल स्पेस था। अब यहां से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो P बराबर टेंथ में पढ़ा होगा एनी बटे एनएस, एनी बटे एनएस, और एनी को बोलते हैं ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तेरा फेवर में गिर रहा है वो, और नीचे का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, चाहे तेरा फेवर में हो भी सकता है। मान लो रोहित शर्मा टॉस उड़ाने गया, उसको मैच जीतना है, तो उसको टॉस में बोल दिया कि हमको हेड चाहिए, क्या चाहिए, तो टॉस उड़ाया, पता चला टेल आ गया, तो रोहित का फेवर में तो नहीं आया, किसका फेवर गया, अगेंस्ट पार्टी का। और रोहित बोला कि हेड चाहिए, हेड आ गया, तो हेड आना ये हो गया, यहां लिखना है, और टेल और क्वाइन से क्या क्या आ सकता है, हेड, तो टोटल नीचे यहां लिखना है। तो जो तुमको चाहिए ऊपर लिख, जो तुमको चाहिए ऊपर लिख, और नीचे चाहिए चाहे नहीं चाहिए सब नीचे होगा। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी लिखता है ना तो यही फॉर्मूला से तेरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, जो चाहिए ऊपर होगा और जो नहीं चाहिए चाहे चाहिए वो सब नीचे होगा। मतलब तुमको जो चाहिए, मान लो प्लेइंग कार्ड है, हमको चाहिए किंग, तो किंग ऊपर लिखना है, भैया प्लेइंग कार्ड में किंग ऊपर लिखेंगे टोटल तो 52 होता है, तो 52 नीचे होगा। तुमको चाहिए इक्का तो इक्का ऊपर होगा, तो जो चाहिए उसको ऊपर में लिखना और जो नहीं चाहिए सब नीचे, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवर का मतलब जो तुमको चाहिए तेरा फेवर में हो। तो याद रखना कभी भी अगर पॉलिटिकल का क्वेश्चन, मान लो एक डाइस को फेंके, हमको चाहिए एक पहले कॉइन को फेंके, हमको चाहिए हेड, क्या चाहिए, तो हेड चाहिए, तो हेड को ऊपर में लिखो, तो हेड एगो होता है और टोटल दो 1/2, ये प्रोबेबिलिटी। अगर हम डाइस को फेंके हमको चाहिए पांच, कितना चाहिए पांच, तो बताओ दो पांच चाहिए ऊपर लिखना है, तो डाइस में पांच एगो होता है और टोटल छह, एक बटे छह हुआ, तो आधा यही लगभग क्वेश्चन तो यही फॉर्मूला में 11th में बन जाएगा। चलो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो से लेकर वन होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो से लेकर वन होता है, समझ आ रहा है? अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर वन से बढ़ा रहा है, जैसे आंसर आ गया पांच तो गलत है, आंसर आ गया टू गलत है, आंसर आना चाहिए एक से छोटा और जीरो से बड़ा, ये भी पूछ सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब होता है श्योर, इम्पॉसिबल मतलब ना, अगर हमको कोई पार्टी में बुलाया और हमको नहीं जाना थी, तो 100% भैया नहीं जाना है, तो इम्पॉसिबल हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स पक्का जीरो होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट 2023 में पूछा है, कब पूछा है, अबर 2023 में। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स जीरो। श्योर इवेंट मतलब क्या होता है, पता है, मतलब पूरा चांसेस जाएंगे, तो जो काम फिक्स है कि जाएंगे तो वन होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी लगेगा, तो 100% जाना है, 11th का एग्जाम लिखना है, कोई रोक थोड़ी सकता है, और तेरा चाहने से भी नहीं रुक सकता है, तुमको देना ही पड़ेगा। तुम चाह लो कि नहीं देंगे तो घर वाला लुहाट से मारेगा, नहीं तेरा चाहने से थोड़ी होगा भाई, अगर 11th का एग्जाम 27 को है तो 27 से एग्जाम देना है, ये तेरा हो गया कन्फर्म, तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते, उसमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, उसी और काम होगा। चलो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल जीरो, श्योर है तो वहां वन होगा, और पी प्लस पी बार का मतलब होता है वन, प्रोबेबिलिटी होना और बार मतलब नहीं होना, उसका प्रोबेबिलिटी वन होता है। प्रूव करके दिखा देंगे, आज प्रूव कर दे रहे। मान लो हम एक डाइस को फेंके, हमको दो चाहिए, क्या चाहिए, दो, तो दो चाहिए, दो ऊपर होगा, तो दो के एक होता है, एक डाइस में एक होता है और टोटल छह, ये चाहिए वाला था। अब हमको दो का मूडिम बार लगा, हमको दो नहीं चाहिए, तो दो नहीं चाहिए भैया, बाकी तो पांच चाहिए ना, तुम बोला हमको दो नहीं चाहिए, मतलब पांच चाहिए, तीन चाहिए, तो बता दो नहीं चाहिए इसका मतलब क्या चाहिए, अरे भैया दो नहीं चाहिए तो आपको दो से नफरत है, बाकी तो इसका मतलब चाहिए, तो इसका मतलब तुमको पांचों चाहिए, टोटल छह। अब दोनों जोड़ो, पी टू
अब पी टू बार तो जोड़ेगा तो आ जाएगा 1/6 + 5/6 तो 6/6 एक आंसर। समझ आ रहा है? तो कभी भी चाहिए और ना चाहिए दोनों का जोड़ेगा तो हमेशा क्या आएगा 1। और तुमको यहां से 1 आया तो यहां से पूछ सकता है पी बार क्या होता है, तो नहीं चाहिए बराबर 1 में से चाहिए वाला, पी बार बराबर 1 - p। क्या समझ में आया? चलो ऑड इन फेवर, फेवर का मतलब होता है पक्ष में, तो फेवर मतलब तेरा पक्ष चाहिए, मतलब चाहिए वाला अपॉन नहीं चाहिए, और बोल देगा ऑड इन अगेंस्ट, तो ऑड इन अगेंस्ट मतलब तेरा तेरा अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब समझते हैं, हाँ विपक्ष विरुद्ध, तो भैया तेरा विरुद्ध चाहिए तो फिर नहीं चाहिए वाला अपॉन पी, तो है ना फेवर मतलब फेवर बोलते हैं ई को चाहिए वाला टोटल ना, तो ना नीचे कर देना अगेंस्ट बोलेगा तो ना ऊपर, हाँ समझ आ रहा है ना। चलो ए था थ्योरी 11 का, अब क्वेश्चन बनाओ धक धक बनते चला जाएगा, प्लेइंग कार्ड आएगा उस टाइम बता देंगे, प्लेइंग कार्ड खास करके बॉयज के लिए नहीं बताना है लेकिन गर्ल्स के लिए जरूर बताना है, गर्ल्स लोग को प्रॉब्लम होता है प्लेइंग कार्ड में, उन लोग नहीं जानती कितना एका होता है कितना बेगी होता है कितना। अब बता दो सवाल है, इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन पी, कोई इवेंट्स है कोई घटना होगा वो इम्पॉसिबल है, ऐसा घटना कभी हो नहीं सकता है। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अब मान लो बोल रहा है इज इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये तो अभी डायरेक्ट बताए थे कि अगर जो घटना इम्पॉसिबल है हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। तो मतलब यहां से हम लोग क्या मानेंगे? 0। और इस सवाल का आंसर आया था, क्या आया था? ये 2023 में ही पूछा है, ए है 0। समझ आ रहा है? और इफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब ये होना ही है तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या उसका? तो 100% होगा, और 100% मतलब परसेंट में 100, और नंबर में क्या होगा? 1। जो काम एकदम फिक्स होगा वो तो होगा ही। अच्छा इफ एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल बी, मतलब कोई भी इवेंट सर्टेनली मतलब, समझ आ रहा है? इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? क्या बताओ? सर्टेनली का मतलब पहले समझता है, हाँ क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी विल बी, कोई भी इवेंट टेक्स प्लेस मतलब सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल बी, तो बताओ क्या होगा? 1 होगा, निश्चित। समझ आ रहा है ना? तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। क्या समझ आ रहा है? ई आर ई सेम है, श्योर और सर्टेनली। चलो एक क्वेश्चन अच्छा है, मस्त क्वेश्चन है, मजा भी आएगा, और धीरे धीरे टाइम भी दोपहर से थोड़ा 4-5 बजने वाला है, तो अब नींद तुम लोगों को नहीं आएगा, मजा आएगा। अब धीरे धीरे नींद क्या हो जाएगा? हाँ जैसे जैसे शाम होते होते जाएगा वैसे वैसे नींद खुलते जाएगा, अब फिर नहीं समझ आ रहा है? अब नींद जब खुलते जाएगा फिर रात भर आदमी एकदम अच्छे से जागेगा, फिर धीरे धीरे नींद आना स्टार्ट होगा। चलो ए दिया है, ए लीप ईयर मतलब पहले जानते ही होगा, और तू लोग का इतना अच्छा स्कूलिंग हुआ है लीप ईयर तो ये सब जानते ही है। लीप ईयर मतलब होता है ना 366 दिन, अरे तब पॉसिबल है जब 29 महीना वाला फरवरी होता है, समझ आ रहा है ना? ए 29 फरवरी वाला तभी लीप ईयर पॉसिबल है, तभी लीप ईयर पॉसिबल। 28 फरवरी में 265 दिन होता है, सॉरी 365 दिन, अरे कितना हो गया लीप ईयर, ए ना भाई 366 डेज, ए ना सर। और अगर मान लो 28 फरवरी होगा तो इस केसेस में 365 डेज होगा, समझ आ रहा बात? तो हमको आज 365 का बात नहीं कर रहा है ना, कर रहा है 366 डेज, समझ आ रहा है? कितना डेज का बात कर रहा है? आ जाओ, अगर मान लो 366 दिन है, हम बांट रहे हैं उसको वीक में कि 366 दिन कितना वीक बनेगा, मतलब कितना सप्ताह टोटल बनेगा, कितना डेज कितना सप्ताह बनेगा, तो सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 होता ही नहीं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वीक निकलेगा। अरे भैया एक सप्ताह का होता है 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 दिन से डिवाइड मारेंगे तो यहां वीक निकलेगा, तो 7 5 35
और ए तेरा आ गया ए, सात दुनी और ए बज गया शेष 366 डेज को अगर हम सात से डिवाइड मारें तो 52 वीक निकला, 52 वीक्स होगा। समझ पा रहा है? मतलब 366 डेज को अगर सात दिन से डिवाइड मारें तो टोटल सात दिन करके के बार निकलेगा 52, और सात दिन करके मतलब 52 वीक्स। और जब 52 वीक्स से निकलेगा उसमें से फिर भी दो डेज बच जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? मतलब 366 में 52 वीक तो बनेगा लेकिन दो को जो बचेगा शेष वो टू डेज तेरा शेष बच ही जा रहा है। और एक वीक और अगर बढ़ाते 53 वीक तो इसमें हमको 5 दिन और एड करना पड़ता। अगर 5 दिन और होता ना तो पूरा का पूरा 53 वीक्स हो जाता। समझ आ रहा है? चलो सर, पूछ रहा है कि क्या चांस है 53 संडे आने का, क्या चांस है कि लीप ईयर में 53 संडे हो, क्या चांस है लीप ईयर में? अच्छा एक बात बताओ, जब लीप ईयर हुआ होगा तो कोई जरूरी नहीं कि अगर 366 दिन बढ़ा होगा, एक दिन बढ़ा है तो कोई जरूरी नहीं है कि संडे ही बढ़ा होगा, कोई जरूरी नहीं, मंडे भी बढ़ सकता है, क्या बोलते हैं, थर्सडे भी बढ़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है सात से जब डिवाइड किया तो तेरा कितना है 52, अब 52 क्या हो गया तेरा वीक्स, 52 क्या हो गया वीक, तो मतलब सात से डिवाइड किया और एक तेरा आया 52 वीक्स, ये तो फिक्स्ड है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है, ये तो फिक्स हो गया। अब 52 वीक में 52 संडे भी आ रहा है, अगर 52 वीक आ रहा है मतलब एक वीक में तो एक दिन तो आएगा ना भाई, तो 52 वीक कहना मतलब 52 संडे भी कह सकता है, तो जितना वीक होगा उतना संडे उतना मंडे, तो मतलब इसका मतलब 52 वीक में 52 संडे आ चुका है। अब 52 संडे जब आ चुका है, अब 52 संडे के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, वो तो आ चुका है। नहीं समझा क्या बोल रहे? हम बोल रहे जब ये 52 वीक आया तो 52 संडे आया, क्या लगा रहा है इसको खोल देना ना तो गर्मी बड़ी लगेगा। तो 52 वीक है तो 52 वीक आना मतलब 52 संडे, 52 वीक आना मतलब संडे, मतलब 52 संडे आ गया। हम सिर्फ लड़ेंगे एक संडे के लिए ताकि 53 संडे आ जाए। तो बता इसके लिए लड़ेंगे क्या? 366 में थी तो पक्का 52 संडे तो आएगा ही, सिर्फ लड़ाई जो है ना ये टू के लिए लड़ाई है। अगर ये डेज में अगर संडे को आ जाता तो 52 संडे और एक 53 संडे आ जाता, तो इसलिए इसके लिए लड़ाई नहीं, लड़ाई मेरा 52 संडे आना है वो आया है, वो तो कभी कम नहीं हो सकता है, एक संडे की लड़ाई। तो बताओ लड़ाई तेरा यहां है, लड़ाई वहां नहीं है। तो जब हम लोग को टीचर बताता था तो हम लोग टेंशन में होते थे कि साला यहां पे डायरेक्ट नोटिस करवा रहा है, यहां क्यों नहीं करवाता था? तो यहां क्यों नहीं करवाता पता है? क्योंकि 52 संडे तो आ चुका है, सिर्फ लड़ाई एक संडे के लिए, तो एक संडे इसमें देश बांटेंगे तो लड़ाई तो इसका है। तो मान लो ऐसा हुआ होगा 52 वीक बना होगा और 52 वीक खत्म हुआ होगा, तो 52 वीक के बाद मान लो मंडे से स्टार्ट किया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं संडे से भी स्टार्ट हुआ होगा, तो ये दो दिन जो बचा है ना कहीं से भी स्टार्ट किया होगा। तो मान लो मंडे से स्टार्ट हुआ होगा, कितना से मंडे, मतलब एक 52 वीक बना और स्टार्ट हुआ मंडे संडे, सॉरी मंडे और क्या बना ट्यूजडे। समझ आ रहा है? और एक तरह कितना हो गया ट्यूजडे, अरे कितना गया वेडनेसडे, यही ना बना। फिर ऐसा भी हो सकता है ना ये दो दिन मंडे ट्यूजडे रहा होगा, या तो वहां से स्टार्ट नहीं किया होगा तो हो सके ये वाला दिन दोनों होगा। अरे भैया नहीं समझा, 52 वीक खत्म हुआ, अब 52 वीक खत्म होने के बाद ये दो दिन कुछ भी क्या होगा कोई दिक्कत है क्या? ये दो दिन जो रहा होगा तुम कैसे बोल सकता है संडे से स्टार्ट हुआ होगा मंडे ही से हुआ होगा, ये दो दिन कहीं से भी हो सकता है, जहां ये खत्म हुआ होगा वहां से दिन स्टार्ट हुआ होगा। मान लो ये संडे पे खत्म हुआ तो भैया ये मंडे से स्टार्ट ही होगा, अगर ये मंडे से खत्म हुआ है तो ट्यूजडे से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये दो दिन मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, यही ना है ये, या तो थर्सडे फ्राइडे, यही ना हुआ, या तो फ्राइडे सैटरडे। समझ आ रहा है? या तो फिर सैटरडे संडे,
समझ आ रहा है? सैटरडे या तो संडे, समझ आ रहा है? या तो संडे या तो मंडे। अब आया समझ में? तो लड़ाई इसका है, ये 52 संडे आ चुका है, हम लोग का 53 संडे बनाना है। तो लड़ाई 52 का नहीं, लड़ाई 2 दिन का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ये ना लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 संडे। अब बता दो, अगर 52 संडे यहां हुआ है तो एक संडे यहां हुआ होगा, या तो एक संडे यहां होगा तब 53 हुआ होगा, तो मतलब 52 तो फिक्स है, उसको हटा दो, लड़ाई तो इसमें है। तो अगर ए दिन आया होगा, अगर ये 52 भी खत्म किया और ए दोनों आया होगा तब एक संडे बढ़ेगा, मतलब संडे वाला क्या हो गया, हमको संडे, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी में हमको संडे बढ़ाना है तो संडे वाला 2 गए आना ही चाहिए। अरे नहीं समझता यार, 52 फिक्स हुआ, अब हमको एक संडे और बढ़ाना है, तो ये लेने से फायदा है, ए लेने से फायदा है, ये दोनों को आ जाए, तो मतलब 2 तरीका से आ जाए। अब टोटल कितना, एक संडे आने के लिए 2 ए दोनों आएगा, लेकिन बाकी तो देश तो 7 तरीका से, टोटल 7/7। समझ आ रहा है? तो ऑप्शन सर लिखने भूल गए, तो ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन दिया है 3/7, बी दिया है 2/7, सी दिया है 1/7, और डी दिया है कितना जी, नोट कर दो ना। अब बता दो क्या आंसर आ गया, इतना आ गया 2/7। समझ आ रहा है? तो 52 का लड़ाई नहीं था, 53 का लड़ाई था, और 53 का लड़ाई के लिए हम लोग को एक संडे दोनों में आना है, तो तुमको किसको बढ़ाना है, तो जो तुमको चाहिए ऊपर संडे वाला 2 है, और जो नहीं चाहिए अभी पर उल्टी बना नीचे, टोटल 7, तो 2/7। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? प्रोबेबिलिटी अभी बताए थे, 10वां क्या पढ़ा है, जो चाहिए ऊपर, तो हमको अगर हमको 53 संडे चाहिए तो ए दोनों ऊपर होना चाहिए, हमको संडे चाहिए तो संडे 2 ऊपर होगा, टोटल नीचे, तो 2/7 क्या हो गया, 7। चलो चलो, एक क्वेश्चन है क्या दिया हुआ देख लो, इफ 2 डाइस आर थ्रोन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 8, मतलब समझ आ रहा है? जब 2 डाइस को फेंका गया, अच्छा सिंगुलर डाई, एक डाई को फेंकना डाई लिखता है, और 2 डाई को फेंकना डाइस, समझ आ रहा है ना? एक तरह क्या हो गया, समझ आ रहा है ना बात? और सिंगुलर में क्या लिखते हैं, डाई। अब याद कर, 2 डाइस फेंकना इसलिए डाइस लिखेगा, एक डाई लिखेगा तो DIE, समझ आ रहा है? कहीं लिखा होगा, अरे वहां लिखा है डाई, लिखा है ना? तो याद कर, 2 डाइस को फेंका, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8। अच्छा कोई एक डाइस का औकात भी नहीं है ना कि 8 दे दे, एक डाइस में मैक्सिमम आ सकता है 6 तक, एक डाई में मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 तक, और यहां अगर 8 का बात हो रहा है तो मतलब दोनों डाइस को जोड़ के ही बात किया रहा है। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा 8 आने का, तो पहले एक बात बताओ, 8 आने का प्रोबेबिलिटी, मान लो 8 आने का प्रोबेबिलिटी को ए मान लिया, क्या माने, और ए का मतलब 8 कैसे आ सकता है, एक ले, अगर पहला डाई में 1 आया होगा तो दूसरा फिर 7 लेना पड़ेगा, और जो कि दूसरा डाई, वो दूसरा डाई में 7 होता नहीं है, तो मतलब एक गलत स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट कर, 2/6, और इसका जस्ट उल्टा कर देना, इसका मतलब पहला डाई में 2, दूसरा में 6, इसका मतलब पहला में 6, दोनों अलग अलग बता रहा है, या तो 3/5 करो, या तो 5/3 करो, या तो 4/4 करो, इतना तरीका से 8 आने का पॉसिबल। और जब 2 डाइस को फेंका होगा तो NS बराबर बताए थे, एक डाइस में 6, एक डाइस में कितना होता है 6, एक डाइस में कितना होता है 6, एक डाइस में 6 आता है, इनके एक डाइस लिया है 2, मतलब टोटल 36 टोटल आया। तो बता, तुमको 36 चाहिए कि 8 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 8 का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा, प्रोबेबिलिटी 8 का, तो अभी हम बताए थे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है ना वो ऊपर होता है, तो तुमको 8 का बारे में पूछा है, तो 8 के वो आया है 5 ऊपर, टोटल 36, 5/36। नहीं समझ आ रहा है? तो तेरे को किसके बारे में पूछा, अरे भैया 8 के बारे में, तो 8 को ऊपर लिखा,
तो आठ को ऊपर लिखना मतलब आठ पांच तरीका से पांच, और जब दो डाइस को फेंकेंगे तो टोटल 36 आएगा। तो ऊपर ओ लिखना जो चाहिए और नीचे टोटल, तो दो डाइस फेंकेंगे ना तो टोटल 36 आएगा, लेकिन हमको चाहिए उसमें से क्या पांच। वो फिर रहे सुनो, जो चाहिए ऊपर और दो डाइस को फेंकेंगे तो वो टोटल 36 आएगा, तो टोटल नीचे और जो चाहिए ऊपर। अब वही सवाल है, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल ऑफ नाइन, अगर नाइन आने का बात कर रहा है तो बता दो एक डाई का तो औकात नहीं कि नाइन आ जाए, वो तो मैक्सिमम छह तक आ सकता है, तो इसीलिए इसका मतलब सम, और सम कितना चाहिए नाइन। तो याद कर पहला डाई एक करेगा तो दूसरा डाई आठ भी कर देगा ना, जबकि दूसरा डाई में आठ आ ही नहीं सकता है, तो गलत ले रहा है। दो लेगा तो फिर भी थोड़ा सात लेना पड़ेगा, मतलब तीन छह से स्टार्ट, तीन तो तुमको पता है कि अगर ये तीन करेगा तभी छह आएगा, अगर यहाँ दो लेता है तो दूसरा डाई में सात आ ही नहीं सकता है, तो इसका उल्टा करूं चार पांच पांच चार, इतने पॉसिबल है नहीं। और जब दो डाई फेंके होंगे तो एक डाई का आने का छह होता है, ये टोटल निकाल रहे हैं। अरे भैया ये कौन वाला है पता है, नौ का है, और दो डाई फेंकेंगे टोटल भी निकालेगा ना, ये ठीक है नौ वाला निकाला, ये टोटल निकाल लो तो एक डाई में छह और दो डाई में कितना हो गया 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइन जो आया, नाइन नाइन पूछा तो नाइन के गो आया है चार गो, नाइन वाला चार गो आया और टोटल 36 मतलब 1/9। समझ आ रहा बात, आ जाओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन, मतलब हेड आने का। तो याद कर अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तुमको पता है कि एक हेड एक एक होता है, भैया हेड पूछा हेड ऊपर रख, अरे यार प्रोबेबिलिटी का नियम ही होता है जो पूछ रहा ऊपर, आठ पूछा आठ वाला ऊपर, नौ पूछा अब क्या पूछ रहा हेड, हेड एक होता है वो उसका संख्या बोला जाता है, वहां आठ पूछा तो आठ नहीं लिखा होकर संख्या के वो आठ का संख्या लिखा जाता है, आठ पूछा आठ ऊपर, आठ पूछा आठ ऊपर मतलब आठ वाला पांच वो था, नौ पूछा नौ ऊपर, हेड पूछा हेड ऊपर, तो हेड के गो था वो और टोटल दो 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ चार इन थ्रोइंग ए डाई, डाई में चार आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो याद कर प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, चार का, तो किसके बारे में पूछा, चार ऊपर, लेकिन डाइस में चार एक गो होता है, तो चार ऊपर मतलब चार नहीं लिख देना उसका संख्या और टोटल छह। तो आठ पूछा आठ ऊपर, नौ पूछा नौ ऊपर, हेड पूछा हेड ऊपर, आठ पूछा आठ का संख्या ऊपर, नौ पूछा तो नौ का संख्या ऊपर, हेड पूछा हेड का ऊपर, और चार पूछा तो चार का संख्या 1/6। क्या समझ आ रहा है, फोटो ले लो। चलो 52 कार्ड्स के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, और बॉयज का तो लगभग जानकारी होता ही है क्योंकि उन लोग तो दिवाली में छूट के खेलता है, निस्में आ रहा है, दिवाली नहीं खेला है क्या, अब नहीं खेला है तो आज खेल लो। 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स को दो बंटवारा किया गया रेड और ब्लैक के रूप में, 52 कार्ड को दो भाग में बांटते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, तो दो भाग में 26 रेड और 26 ब्लैक। चलो यहां के बाद रेड भी दो भाग में बांटता है, दो भाग में, दो सूट्स में होता है, एक होता है डायमंड एक होता है हार्ट्स रेड वाला, और ब्लैक वाला जो होता है एक स्पेड होता है एक क्लब होता है, मतलब रेड वाला ना ये सब सब रेड दिखेगा, मतलब रेड कलर का मतलब एक कलर होता है, और इसमें सब क्या होता है ब्लैक कलर। तो बता दो 52 कार्ड को रेड और ब्लैक में दो भाग में बांटा गया, तो रेड 26 ब्लैक 26, तो 52 कार्ड को पहला बांटा जाता है रेड और ब्लैक के रूप में बांट दिया, और जब रेड अगर बट गया और ब्लैक में बट गया तो फिर रेड दो भाग में बटेगा, एक डायमंड एक हर्ट्स, जिसमें ये डायमंड वाला फिगर बर्फी जैसा होता है और एक में हर्ट्स दिल वाला, ये तो हर कोई बनाता है, समझ आ रहा है बात। और बताओ 26 दो भाग में बांटा तो 13-13 हुआ, उसी तरह ब्लैक भी दो पार्ट में बटा तो भी 13-13 पत्ती हुआ 1G। अब आ जाओ 13 में फिर बटाएगा, 52 में 26 26 बटा है, 26 में फिर दो भाग में बटा, फिर 13 को बांटेंगे, देखो यहां
एक होता है एस, एस मतलब होता है इक्का या इक्का, जो बोलना है बोल ले रहे भाई, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। दूगी तीगी, अब ऐसे पढ़ाएंगे ना, दूगी तीगी चौवी ऐसे बोल देगा, अजी क्या बोल देगा, वैसे नहीं होता है। एका दूगी तीगी चौवा पंजा छक्का सत्ता, सत्ता ना बोलता है, अट्ठा नहल्ला, सुन सत्ता अट्ठा बोलते बोलते नौवा बोल दे, सत्ता अट्ठा नहल्ला दहल्ला ऐसे बोला जाता है, इतना समझ आया। और एक होता है गुलाम बेगी बादशाह, यहां दस ग्यारह बारह तेरह, वैसे हम खेले नहीं है, खेलते थे मेरा बाप बहुत मारता था, चलो वहां जाके खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो सर आप कैसे सीखे, सर घर में नहीं सीखे, वहां मार होता था हजारीबाग चाहे जहां गए हैं वहां सीखे, वहां तो कहीं ना कहीं सीखना तो तय है भाई, तो हम भी है ना मतलब चुपके चुपके सीखे हुए हैं, नहीं समझा रहा, लेकिन आज लेकिन काम कर रहा है। इससे ये पता चला कि दुनिया में हर चीज नॉलेज होना जरूरी है, हर चीज सीखना, भले देखो खेल थोड़ा मोड़ा तो खेलता है लोग, और खेलना भी चाहिए, और नहीं खेल रहा कम सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाता है। अब बता दो मेरा बाप को, अब बताए बात कि अब आप पढ़ा दीजिए आके यहाँ, नहीं समझ आ रहा है, उस टाइम तो खेलने नहीं देखने तक नहीं देता था भैया, अभी जरूरत पड़ा ना, तो इसलिए हर चीज जरूरत पड़ता है, तो नॉलेज हर चीज का रखना चाहिए। तो ये नहीं बोल रहे हैं बहुत ब्रिलियंट है, मतलब कहने का मतलब है कि हमको जिस तरह रखा था आज कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गया, तो आज बच्चा को हम क्या बताते, समझ आ रहा है। तो सर ये बताना नहीं, इसका खेल भी बड़ी हैवी होता है, फ्लैश खेला होगा, तो एक्का दूगी तीगी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नाला डाला और गुलाम बेगी बादशाह, इसको कभी कभी ना गुलाम को हम लोग गुलाम को गुलामी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेगी को क्वीन भी बोला जाता है, और इसको किंग भी बोला जाता है, क्यू से क्वीन और कैसे किंग, दोनों एक जगह है, समझ आ रहा है, क्वीन और किंग एक जगह है भाई, और उन लोगों का जगह कोई ले भी नहीं सकता है, इधर ध्यान दो। और एक बात, अच्छा एक बात बताओ, ये एक्का को ना कभी कभी एक से भी ट्रीट करते हैं, और एक्का को कभी कभी चौदह भी बोला जाता है, वो डिपेंड करता है गेम कैसा हो रहा है। अगर तेरे पास दूगी तीगी आया है और एक्का आ गया, तो इसको लंगड़ी बोलते हैं, इसको एक बोला जाता है, ताकि एक्का को उस टाइम एक से ट्रीट करेंगे तो एक दो तीन रन बन जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मान लो तेरे पास बारह तेरह आ गया और उस टाइम अगर बेगी बादशाह और एक्का आ गया, तो उस टाइम ही बारह तेरह चौदह का काम करेगा, तो पत्ती पे डिपेंड करता है कब एक का चौदह भी हेड करेगा कब। अरे बहुत बड़ा पत्ती होता है, पत्ती नहीं बहुत बड़ा होता है, इससे भी बड़ा तिरेल होता है। खैर पहले तो कलर होता है रंग, क्या होता है, क्या बड़ा होता है, क्या होता है, अच्छा बोल रहे बोलने दो, हाँ क्या बोली, तिरेल बड़ा होता है, यही ना बोल रही, हाँ तिरेल तो बोल ही रहे ना, सबसे बड़ा तिरेल, इसके बाद क्या हुआ, रन, रन में ये सबसे बड़ा हुआ, इसके बाद कौन होता है जी, इसके पीछे तलन, हाँ वही ना बोल रहे, चलो गया, अच्छा आता है, इतना आ रहा है तो मतलब गर्ल्स होके अगर इतना आ रहा है तो बहुत अच्छा नॉलेज होना भी चाहिए, बहुत अच्छा लगा तुमसे। ए अब बता दो एक्का अगर यहां हुआ तो एक्का तो यहां भी होगा, एक्का यहां भी होगा, तो हर पत्ती जानता है चरचर होता है, अगर तुमसे पूछे एक्का के होगा तो बोला चार, बोले दूगी के होगा, दूगी हम यहां बताए, यहां भी तो दूगी होगा ना तेरा में, यहां भी तो दूगी होगा, यहां भी दूगी होगा, अच्छा पंजा बोले तो पंजा चार गो, गुलाम बोले चार गो होगा, बेगी बोले चार गो होगा, किंग बोले चार गो होगा, तो समझ आ रहा है, हर एक पत्ती चरचर गो होता है, समझ आ रहा है। और इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ये तीनों को फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि गुलाम बेगी बादशाह में चित्र बना रहता है, इसलिए उसका बोला जाता है फेस कार्ड। तो बता दो फेस कार्ड टोटल कितना हुआ, अच्छा पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द पॉलिटी ऑफ फेस कार्ड, बारह बच्चे बहन, क्योंकि गुलाम अगर फेस है तो गुलाम चार गो होता है, क्वीन भी चार गो होता है, और बेगी भी क्या होता है, तो मतलब बेगी बादशाह भी चार गो होता है, तो टोटल बारह गो फेस कार्ड होगा,
तो फेस कार्ड अगर पूछेगा तो फेस कार्ड 12 टोटल, सॉरी जो पूछा 12 ऊपर, अच्छा कोई किंग पूछा, किंग का प्रोबेबिलिटी तो किंग होता है 4, तो 4 किंग पूछा 4 ऊपर, समझ आ रहा है, फिर पूछा एस 4/52, एस पूछेगा एस ऊपर रखो टोटल 12, क्या समझ आ रहा है, मतलब अब पत्ती के बारे में दिक्कत नहीं। चलो फोटो ले लो, चलो अब देख लो प्लेइंग कार्ड का भी बताएं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चलेगा। बोल रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, ड्रॉन मतलब खींचना, 3 कार्ड्स को खींचा आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब 52 पत्ती में 3 कार्ड को आउट किया गया, खींचा गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 क्वींस, तो क्या चांस है कि तीनों का तीनों क्वींस होगा, क्या चांस है तीनों का तीनों क्वींस होगा, तीनों का तीनों क्या होगा क्वीन, समझ आ रहा है। तो आ जाओ अब बोल रहे कौन ऑप्शन, बोलो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, जो अच्छा लगे ले लेना। एक तरीका कॉम्बिनेशन लेके बनाया और एक तरीका अपना, एक तरीका जो होता है जेन्युइन तरीका से भी बना सकता है। तो याद कर अगर 3 क्वींस बोलेगा, क्या बोलेगा 3 क्वींस, तो याद कर क्वीन 3 क्वींस बोला, यही ना बोला, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 क्वींस का, ये ना निकालना है 3 क्वींस का, ये ना निकालना है। अब 3 क्वींस का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, 3 क्वींस का, 3 क्वींस का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो याद कर क्वीन को बोले थे ऊपर, तो 3 क्वीन निकालना है। और हम लोग को पता है ना यार हर कार्ड 4 को होता है, तो 4 टोटल था, उसमें से 3 क्वीन निकाले हैं, क्वीन निकला, याद कर 4 में 3 क्वीन निकाला। तो याद कर कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे हाले में कि 4 टोटल होता है, 3 मतलब सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट नीचे वाला बताता है सिलेक्शन, और 4 बताता है टोटल, मतलब 4 गो में 3 गो सेलेक्ट किया मतलब निकाला, ठीक है। और याद कर 3 गो अगर हम निकालें 4 क्वीन में, तो प्लेइंग कार्ड में टोटल में भी तो 3 गो निकल रहा है ना, चाहे क्वीन में निकालें चाहे टोटल में निकालें, तो 52C3, तो क्वीन पूछा क्वीन में 3 निकाला और टोटल में भी तो 3 निकलेगा। अच्छा एक पत्ती मान लो एक भुला गया, तो ठीक मानते एक का भुलाया, 4 गो में एक भुला गया, 52 में एगो नहीं भूलेगा, 51 नहीं बचा, तो क्वीन पूछेगा 4 में 3 क्वीन निकाला, क्वीन पूछा तो क्वीन में निकालो और नीचे टोटल में 3 निकालो, एक तरीका है जो आंसर दिख रहा होगा ऐसे। अगर ये नहीं समझ में आए तो एक तरीका और है मेरे पास, आ जाओ। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है, अगर तुमको चाहिए कितना क्वीन, 3 क्वीन, 3 क्वींस चाहिए ना, चाहिए तो तुम क्या करो बात समझो, टोटल 4 क्वीन, 4/52 एक बार लगाओ, तो 4/52 तुम मत समझना क्वीन पूछा तो 4/52, तो ये मत समझना कि 4 का मतलब 4 क्वीन निकला है, 4/52 करोगे तो एक क्वीन निकलेगा, तेरा एक क्वीन निकला, तो जब बताओ 4/52 के तो एक क्वीन निकल चुका है, तो टोटल 4 में 3 अभी भी बचे हैं, तो एक 3 में सब निकलेगा 3/51, तो क्वीन एक कम हो रहा है तो टोटल भी एक कम हो रहा है, तो एक तरह निकला दूसरा क्वीन। फिर अगर मान लो 2 निकल गया, 2 क्वीन और बचा हुआ है, तो 2/50, तो आंसर सेम ही देगा। नहीं समझ आ रहा बात, आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा, तो या तो कॉम्बिनेशन से बना या तो फिर ए वाला मेथड लगा सकता है। नहीं समझ आइए ना, कॉम्बिनेशन से भी इसको सॉल्व करेगा ना, कॉम्बिनेशन तुम लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ऊपर वाला नीचे वाला घटा के तो यही आंसर आएगा, समझ आ रहा है। कट जाएगा 17/51, अरे कटेगा 4 से क्या, एक कट जाएगा, अरे भी कट जाएगा, ये 13/52 1/13 और 1/17 और 1/26 गुना करोगे तो यही आएगा जो यहाँ आएगा, अच्छा हाँ 1/25, समझ आ रहा है। yes. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/13 ये आ जाएगा 1/17 और ये आ जाएगा 1/25, गुणा करेगा वही आंसर आएगा जो इसका आएगा, तो तुम कॉम्बिनेशन को भी तोड़ोगे तो वही आएगा जो वहां आया। चलो एक बार और क्लियर कर देते हैं, मान लो हमको बोला कि आप एक का निकालिए, के गो एक का, 3 एक का, तो हम जानते हैं 4 एक का होता है, तो 4 एक का में टोटल 52 टोटल, यहाँ एक का यहाँ, अच्छा एक का बोलेगा तो एक का ऊपर होगा, अब 52 पत्ती नीचे होगा, तो जब 4/52 करोगे तो मत समझ लेना कि 4 एक का निकल गया,
चार बट्टे बावन मतलब एगो इक्का निकला, एगो निकल गया। तो बता जब एक इक्का निकल गया होगा तो बचा कितना? तो अगर निकालेंगे तो तीन में निकलेगा जी, एक तो निकल चुका है तो तीन बट्टे इक्यावन, एक एक और आ गया। अभी मैं सोचना तीन एक आ गया, वो एक बार अप्लाई करोगे देखिए एक आएगा। फिर बचा दो बट्टे पचास, तो ऊपर कम हो रहा है ऑटोमेटिक टोटल में भी तो एक पत्ती कम होगा। अगर मान लो एक एक का निकाल दिया तो भैया एक एक का निकालना मतलब टोटल इक्यावन ही बचा। इस तरह से भी बना सकता है, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ा। द चांस ऑफ ड्रॉइंग रेड क्वीन इन सिंगल ड्रॉ फ्रॉम ये पैक ऑफ 50, मतलब बोल रहा है ना कि रेड क्वीन आने का क्या चांस है भैया? क्वीन टोटल चार होता है और रेड क्वीन में तो रेड में दो बंटवारा होता है तो दो क्वीन तो होगा ही रेड। अब ब्लैक में दो क्वीन होता है तो रेड क्वीन तेरा दो और ब्लैक दो, तो लेकिन पूछा रेड क्वीन आने का चांस, तो दो बत्ते, समझ आ रहा है ना? तो रेड क्वीन जो तेरा निकला, रेड यही ना निकला जी, रेड क्वीन दो होता है जो पूछेगा ऊपर ही, और टोटल बावन एक बट्टे छब्बीस। आंसर नहीं है क्या? समझ आ रहा है सर? एक बार आप दो बट्टे बावन के अगर रेड क्वीन बोलता दो निकालिए तो एक बार और लगाते हैं कि एक बार लगाए मतलब एक वो निकला है, रेड क्वीन एक ही पत्ती निकला है, लेकिन यहां दो देखने से लग रहा है दो वो निकला है, नहीं दो बट्टे बावन के एक ही वो रेड आया। समझ आ रहा है? चलो समझ आ गया, आ गया। अगर यही बोल देता कि ए रेड मतलब ए को बोला, ए मतलब होता है वन, अगर दे देता टू रेड, टू रेड क्वीन, तो बता भाई दो वो रेड क्वीन होता है दो निकालना है, तो दो बट्टे बावन करते ये वो निकला, फिर लिखते एक बट्टे इक्यावन। समझ में आ रहा है? एक बार अप्लाई करोगे तो ये सब चीजें इतना खुल के क्यों बता रहे हैं हम, मेरे को तकलीफ हुआ है तब आज इतना खुल के बता रहे हैं। चार बट्टे बावन मारता था बोलते साला चारों निकाल दो फिर लिखो चार बट्टे बावन, इसका कोई खुल के नहीं बताता कि है हकीकत में क्या। चार बट्टे बावन कर रहा है मतलब एक के पत्ती आ रहा है, फिर दूसरा निकालेगा तो तीन बट्टे कावन। समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कि दो बट्टे बावन क्या इसका मतलब नहीं कि दो रेड तेरा निकल रहा है, दो रेड होता है टोटल दो रेड, दो रेड पूछा रेड दो और टोटल बावन, तो दो बट्टे बावन का मतलब है एक ही रेड आ रहा है, और वैसे भी बोला था ए रेड मतलब एक रेड। अब आ जाओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग इन ए ड्रॉ फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ड्रॉइंग ए किंग मतलब अगर किंग चाहिए, एक किंग, तो अभी बताए थे अगर तेरे को किंग चाहिए तो याद कर किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। किंग तेरा एक चार को होता है, अच्छा किंग भी तो चार होता है, तो चार बट्टे बावन क्या चार पत्ती निकला कि एक निकला? चार बताता है कि चारों किंग में कोई एक आया, टोटल बावन। तो याद रखना किंग बोला किंग ऊपर, रेड क्वीन बोला तो रेड ऊपर, रेड क्वीन दो ऊपर, रेड क्वीन दो होता, ब्लैक क्वीन बोलता दो ऊपर, तो रेड क्वीन मतलब दो और दो ऊपर, किंग बोला तो किंग ऊपर। समझ आ रहा है ना? ये सब बात आना चाहिए। तो चार बट्टे बावन मतलब एक बट्टे ऑप्शन। समझ आ रहा है? आ रहा है? अच्छा अगर बोलता है ए तो ए मेथड बताए, अब बोलता है कि एक किंग निकालो तो कॉम्बिनेशन से फोर किंग में एक किंग और बावन में भी एगो, ऐसे बनाता। समझ आ रहा है? चलो समझ में आ गया। किंग बोला किंग ऊपर, रेड क्वीन बोला तो रेड ऊपर, तो किंग कितना चार, टोटल बावन, तो चार बट्टे बावन मतलब एगो किंग आया है। अगर दूसरा किंग निकाला है फिर करो। समझ आ रहा है ना? चलो फोटो ले। एग्जाम है, एग्जाम तुम्हें को लिखना है जी। चलो इधर देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस नंबर पांच ऑन द फेस इन द थ्रोइंग ए डाई। इसका मतलब समझा? बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अकरेंस मतलब आ रहा है या आया, नंबर पांच ऑन द फेस इन थ्रोइंग ए डाई, जब डाई को फेंका या थ्रो किया या उछाला तो पता चला कि एक फेस में उसका क्या गया, पांच। ऑन द फेस, ऑन द फेस का मतलब हुआ कि भाषा में छह फेस होता है,
तो एक फेस में उसका क्या दिख रहा है, तो पांच आने का क्रेंस मतलब आना, पांच आने का क्या प्रोबेबिलिटी, अभी तो बताए थे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ पांच, पांच बोला पांच ऊपर, तो पांच ऊपर मतलब पांच का संख्या, तो डाइस में पांच एक हो टोटल छह, पांच बोला पांच ऊपर, पांच बोला एक लगा ऐसे लिखता है पांच बटे छह मार चार पांच के पांच ऊपर, पांच ऊपर मतलब डाइस में पांच एक होता है, तो पांच वाला ऊपर होगा टोटल नीचे होगा, पांच बोला पांच ऊपर तो डाइस में पांच के होता है तो एक हो ऊपर। When your dice thrown the probability that digit coming up greater than four, मतलब बोल रहा है ना कि जब डाइस को फेंका गया, क्या लिखा है, When your die is thrown, die नहीं होगा डाइस होगा, वैसे यार क्या लिखता है वो कौन समझ में नहीं आता है, When your die, चलो when your die is, नहीं नहीं डाई एक ही डाई है, When your die, एक ही डाई का बात हो रहा है, When your die, die मतलब एक एक डाई को डाई बोलते हैं और दो डाई को डाइस बोलते हैं, एक डाई को जब थ्रोन किया गया प्रोबेबिलिटी डाइट डिजिट कमिंग अप ये ग्रेटर देन फोर, तो याद कर एक डाई को फेंकेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि चार से बड़ा आने का, तो भैया चार से बड़ा आने का तो या तो पांच या तो छह, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका पूछ रहा है, पांच, पांच से बड़ा चार से बड़ा, तो चार से बड़ा मतलब क्या समझा, दो तरीका, चार से बड़ा मतलब दो, दो ही चार और टोटल छह, एक बट्टे तीन, या बढ़िया समझ लो, एक बकाने से नहीं होगा, जो समझेगा वही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ हमको बोला ना, हमको बोलता मान लो चार आने का, तो चार ऊपर होता और डाइस में चार एक होता है, एक बट्टे टोटल, और हम बोले कि पॉलिटी का मेन फॉर्मूला यही, जो पूछ रहा ऊपर लिखो टोटल नीचे लिखो, तो हमको चार पांच पूछा तो पांच एक होता है, पांच पूछा पांच ऊपर, पांच ऊपर मतलब पांच ऊपर, पांच को ऊपर लिखना है, पांच के होता है, लेकिन आज पूछा कि चार से बड़ा, तो भैया चार से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो या तो पांच आया होगा या तो याद कर पांच चार से बड़ा आने का, चार से बड़ा आने का, चार से बड़ा आने का दो ही होता है, तो दो ही ना है बड़ा, तो हमसे क्या पूछ रहा है, चार से बड़ा, चार से बड़ा पूछना इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है पांच और छह, अगर कोई पूछे चार से बड़ा आने का इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से क्या पूछना चाह रहा है, पांच और छह, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो चार से बड़ा बोल रहा है, इनडायरेक्ट क्या समझ रहा है कि मतलब चार से बड़ा मतलब पांच छह, तो पांच छह आने का दो होगा और टोटल छह, एक बटे तीन, तो यहां पूछा पांच का तो ऊपर एक हुआ, आज पूछा इनडायरेक्ट रूप से किसका, पांच छह दोनों, तो दो ऊपर। Two coins are tossed together. Find the probability that tail will appear on both coin. जब दो coin को फेंकेंगे तो दोनों में tail आने का क्या probability है? तो याद कर अभी बताए थे। अगर हम दो dice को फेंक रहे हैं, दो dice को, तो या तो head head आया होगा, या तो head tail आया होगा, या तो tail head, या तो दोनों tail। क्या इससे ज्यादा possible है? दो die को दो क्वाइन को अगर हम फेंकेंगे, मान लो एक क्वाइन इसको धरा दिए, एक क्वाइन इसको धरा दिए, बोले तू फेंक रहे, तो बोला हेड, ई फेंका बोला हेड, तो हो सकता दोनों हेड आया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, ई बोला हेड, ई बोला टेल, हो सके ई टेल, मतलब आया तो एक टाइम में, एक लड़का बोलता है चार को कैसे आएगा सर, कोई एक एक ना आएगा, चारों में कोई एक ही को लाएगा इन दो, लेकिन चांद से इस तरह से आ सकता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, दोनों टेल का, दोनों टेल का, तो टेल वाला क्या हुआ जी, तो टेल वाला पूछा दोनों टेल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पूछा, टेल विल अपीयर ऑन बोथ क्वाइन, दोनों क्वाइन में टेल होना चाहिए, तो दोनों क्वाइन में टेल तो एक ही हुआ है यार, एक टोटल कितने है चार, एक बट्टे चार, नहीं समझ आ रहा, पूछता दोनों हेड, तो भैया एक टोटल चार, एस सिंपल स्पेस, और सिंपल स्पेस को बोलते हैं नीचे, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस को क्या बोलते हैं नीचे, सिंपल स्पेस को क्या बोलते हैं नीचे, और दो टेल क्या हो गए। अच्छा यही सवाल में पूछ लेता कि एक टेल आने का क्या होगा, एक टेल तो एक टेल दूगो और एक टोटल चार, समझ आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छा, एक सवाल पूछा है, देखो एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन इज
और ए वाला सवाल 2024 वाला सेट में आया है, लेकिन वहां लिखा है थ्री क्वाइन। समझ आ रहा है ना? आ जाओ। ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार फेंका गया, तो भैया दो बार क्वाइन फेंकेगा तो इसका भी यही आएगा, टेल टेल एल हेड, क्या है इसे लिखवा देता है, दो हेड, अब एक हेड टेल, टेल हेड, दोनों टेल दे। लिखने का तरीका होता है, अगर आप दोनों हेड लिख रहे हैं तो दो हेड से कम करते जाइए, एक हेड, एक हेड से कम करते जाइए, दो टेल। समझ आ रहा है? अब आ जाए इसके क्या होगा। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट मीनिंग और एटमोस्ट दोनों सीख ले, एटलीस्ट वन टेल, इसका मतलब समझ लो, एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी पूछेगा ना एटलीस्ट वन टेल कितना, तो एटलीस्ट वन टेल मतलब होता है कि हम बोले मेरा पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपया मिल जाएगा, तो इसका मतलब मेरा पॉकेट में 10 रुपया तो मिलेगा ही, 10 से ज्यादा भी मिलेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना मिले तो। समझ आ रहा है? Yes, समझ आ रहा है? Yes, तो एटलीस्ट मतलब होता है, एटलीस्ट कितना बोला जी, वन, तो वन तो होगा ही, एटलीस्ट वन मतलब एक टेल तो होना ही चाहिए, और एटलीस्ट मतलब होता है वन टेल तो होना ही चाहिए, और एटलीस्ट मतलब होता है उससे बढ़ा के भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलता। आप गांव में मान लो कुछ पैसा जमा होता है तो नहीं बोलता आप कम से कम इतना तो दे दीजिए, तो इसका मतलब आप इससे ज्यादा भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन आपको इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, बढ़ा के, और एटमोस्ट अभी बताएंगे, तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम नहीं, बढ़ा के और देना है, वन तो देना ही है। अच्छा गांव पीछू अगर सब घर पीछू अगर चंदा लग रहा है 1000 रुपया, और कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग जायदाद बोलता है भैया आप थोड़ा तो बढ़ा दीजिए, सबका लग ही रहा है, लेकिन आप तो कुछ बढ़ा के दीजिए, तो उसी तरह कुछ बढ़ा के होता है। तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, बढ़ा के मतलब एक तो होगा ही बढ़ा के, तो बता दो एक टेल होगा कि दोनों होगा, और टेल बढ़ा के ले सकता है तो दो टेल, तो टोटल तीन, और टोटल चार, 3/4। समझ आ रहा है? अच्छा यही सवाल में पूछ दे एटमोस्ट, एटमोस्ट एटमोस्ट मतलब होता है पीक पॉइंट पर पहुंच गया, अब वो बढ़ेगा नहीं बल्कि नीचे जाएगा, तो अगर पूछ देता एटमोस्ट वन टेल, तो इसका मतलब वन टेल तो होगा ही, एटमोस्ट या एटलीस्ट बोले तू तो एक तो होगा ही, एटमोस्ट मतलब जब तक कम कर दे तो दो टेल होता, और एटमोस्ट मतलब कम भी, कम तो टेल नहीं भी होगा, तो यहां भी तीन वो होता, तो 3/4 होता। जैसे एटमोस्ट मतलब समझा, जैसे एटमोस्ट वन टेल बोला तो एक टेल तो होगा ही, वन टेल बोल रहा है मतलब वो तो होगा ही, एटमोस्ट मतलब ना भी टेल रहा तो चलतो कम कर सकन, एटलीस्ट मतलब क्या समझा, एटलीस्ट मतलब बढ़ा के लेना, बढ़ा के भी लेना है, और एटमोस्ट मतलब जो बोला हो तो लेना ही है, कम भी लेना है। समझ आ रहा है बात? तो बता दो एटमोस्ट में, एटमोस्ट अगर एक टेल बोलता तो एक टेल वाला लेते, और एक टेल नहीं भी होता घटा के भी लेते, मतलब हेड हेड वाला भी ले सकते, तो 3/4 क्या हो जाता चार। समझ आ रहा है बात? एक क्लियर हो गया, जल्दी करो। चलो दिया हुआ है दो डाइस आर रोल्ड, मतलब दो डाइस को फेंका गया रोल्ड किया गया, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंट फेसेस, क्या चांस होगा जब दो डाइस को फेंके होंगे दोनों डाइस में डिफरेंट फेस दिखना चाहिए, अगर किसी में एक आया किसी में दो आए, एक एक ना आना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो याद कर अगर ऐसा सवाल है तो इसको कैसे बनाएंगे, देख लो अगर दो डाइस को फेंका होगा, सुनो पहले, दो डाइस को फेंका होगा तो याद कर सेम वाला ही होगा, नहीं समझ आ रहा है? और एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ए वाला सब तो सेम हो जा रहा है, और उसका कहना है कि सेम वाला नहीं, डिफरेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो याद कर जब हम लोग ए इधर जान दो, दो डाइस को फेंके होंगे तो एक डाइस में 6 आता है, एक डाइस से 6 आता है, तो दो लगा दो 36। तो याद कर प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए डिफरेंट का, तो बता दो 6 को तो सेम हुआ और हमको चाहिए डिफरेंट का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 36 में
जैसे 36 टोटल आएगा और 36 में सेम वाला हटा दो, डिफरेंट वाला बचा तो टोटल डिफरेंट वाला 30, डिफरेंट वाला ऊपर और टोटल 36, 5 6 5 6 5 6। क्या समझ आया? अब आ जाओ, 2 dice are rolled, what is the probability of doublet? डबलेट मतलब ये ला, सेम सेम वाला बार पूछ रहा है, तो याद कर, सेम सेम वाला अगर निकालेंगे तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह। क्या समझ आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम वाला टोटल 6 और टोटल 36 मतलब 1/6। समझ आ रहा है? अब यहां से सीखा, अगर डबलेट मतलब होता है सेम सेम, डबलेट मतलब सेम सेम, तो सेम सेम वाला छोड़ो, डबलेट मतलब डबलेट पूछा ऊपर लिखो, अरे आप बोला डिफरेंट तो डिफरेंट फिर 30 होगा, तो डिफरेंट बोला तो ऊपर और सेम बोला तो ऊपर सेम होला। ये तो आसान है यार, 23 में पूछा है, द क्वालिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 4 red balls और 5 white balls। एक बैग है जिसमें 4 red balls है, मतलब एक बैग है जिसमें 4 red है और 5 white है, तो पूछ रहा है कि एक मिनट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, और रेड बॉल क्या है? ए रेड मतलब होता है वो, ए मतलब ए वो, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो रेड वाला ऊपर लिखना, अरे भैया जो पूछेगा ऊपर लिखो, रेड के गए 4 और टोटल 5 4 9, नहीं समझ आ रहा है, 4/9। अगर ब्लैक बॉल पूछा है तो ब्लैक बॉल वाला क्या हुआ? 5। समझ आ रहा है? और टोटल 5 और 3, समझ आ रहा है? अब यहां से क्या दिखा, अभी तक हम लोग जितना प्रोबेबिलिटी बना रहे, अभी तक जितना बना रहे, पूछता था क्वाइन में हेड तो हेड ऊपर, पूछा डाइस में 5 तो 5 ऊपर, पूछा कि डबलेट मतलब सेम सेम हो रहा तो 2 dice को फेंकेंगे टोटल 36 आएगा, 36 टोटल आता है, और सेम सेम वाला इस तरह 6 को आएगा, तो सेम वाला पूछा 6 ऊपर, डिफरेंट वाला पूछा डिफरेंट बोला ऊपर, रेड बॉल बोला तो रेड ऊपर, ब्लैक बोला ब्लैक ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी का यही कहानी था, जो पूछेगा ऊपर। ठीक है, कल मिलते हैं। समझ आ रहा है बात? तो देख लो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इतना दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी पी का मान 2/13 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एन इवेंट, इवेंट मतलब ई, तो प्रोबेबिलिटी किसका दिया है? इवेंट का, पी का मान दिया हुआ है, तो तुमसे पूछ रहा है ओड इन अगेंस्ट। कल एक फॉर्मूला बताए थे, याद कर, ओड इन अगेंस्ट याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड इन अगेंस्ट ये बताए थे, ओड इन अगेंस्ट, तो हम बोले थे अगर ओड इन अगेंस्ट पूछता है, क्या पूछता है? ओड इन अगेंस्ट, ओड इन अगेंस्ट, ओड इन अगेंस्ट अगर पूछता है तो इसका मतलब बोले थे अगेंस्ट मतलब फेवर में नहीं, ना 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 ना, मतलब अगेंस्ट मतलब होता है तेरे अगेंस्ट, ना अगर तुम हाँ है तो ना करेगा, और नीचे लिखते हैं पी। क्या समझ में आ रहा? और तुमको कल बताए थे कि पी बार का मान जो होता है 1 - पी होता है, ये बात आना चाहिए, क्योंकि p बार का मान होता है 1 - p अपॉन कितना हो गया p। समझ आ रहा है ना? कल बताए थे जी p + p बार प्रूफ भी किए थे कि 1 के बराबर होता है, तो p बार बराबर 1 - क्या हो गया p, और 1 - p का मान कितना दिया है जी? 2/13 कितना दिया है? 13। और ये 2/13 कितना हो गया? 13। तो याद कर एलसीएम लो, ये 13 11/13 और 2/13, तो हमको लगा 11/2 आंसर। यहाँ सवाल भट भट बन जाएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में ये सवाल दम भर दम वाला हो जाता है, समझ आ रहा है ना? चलो, पीए का मान दिया हुआ है, अगर ऑड इन फेवर पूछा है, तो अगर ऑड इन फेवर पूछे, ऑड इन फेवर, तो याद कर फेवर मतलब होता है पी, फेवर, ऑड इन फेवर, फेवर का मतलब हाँ, मतलब तेरा फेवर में है, तो फेवर मतलब हाँ ऊपर होगा और ना कहाँ होगा? नीचे। तो यदि फेवर मतलब फेवर को पहले लिखना, अब याद कर पी हो गया, अब पी बार बराबर हो गया 1 - पी। क्या समझ आ रहा है? अब तुमको बताओ, पी का मान दिया हुआ है 4/9, अब 1 - क्या दिया? 4/9। समझ आ रहा है? तो 4/9 और 9 5/9 गया,
चार बटे पांच, समझ आ रहा है? चार बटे पांच ऑप्शन कितना हो गया सी। अच्छा व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग सात और ग्यारह विद टू डाइस। अच्छा कल हम लोग आठ का प्रोबेबिलिटी निकाले थे, नौ का निकाले थे, लेकिन आज जो पूछ रहा है कि सात और ग्यारह दोनों का पूछ रहा है, सात और ग्यारह दोनों का। पहले तो हम सात का लिखते हैं, एक इवेंट मानते हैं, चलो ए ए एक इवेंट मानते हैं, ए बराबर क्या है सात आने का। तो याद कर तुमको भी पता है सात कैसे कैसे आ सकता है, अगर एक ले तो दूसरा हमको लेना पड़ेगा छ, समझ आ रहा है? और इसका उल्टा छह एक लेंगे, दो पांच लेंगे, पांच दो लेंगे, तीन चार लेंगे, चार तीन लेंगे, यही ना है जी? ये सात वाला हुआ। अब याद करिए सात वाला हुआ तो इसका प्रायोरिटी कितना आ गया, सात मतलब सात का प्रायोरिटी यही ना है जी? सात सात छह वो आया, और दो डाइस को हाँ क्या बोल रहा है, दो डाइस को फेंकेंगे छत्तीस हुआ, मतलब एक बट्टे सिक्स, समझ आ रहा है? अब बी बराबर कितना हो गया, बोल रहा है कितना ग्यारह का, तो अगर एक लेंगे तो दूसरा लेना पड़ेगा दस, पॉसिबल नहीं है, और दो लेंगे दूसरा लेना पड़ेगा नौ, समझ आ रहा है? तीन लेंगे दूसरा लेना पड़ेगा सात, ए नहीं नहीं आठ, चार लेंगे तो दूसरा लेना पड़ेगा सात, मतलब पांच लेंगे तो छह, छह पांच बस यही ना होगा। तो प्रायोरिटी ऑफ ग्यारह का कितना होगा, ग्यारह दो बार टोटल छत्तीस, तो पहले सात पूछता था एक बट्टे छह होता, ग्यारह पूछता तो दो बट्टे छत्तीस होता, मतलब एक बट्टे अठारह होता, लेकिन यहां दोनों पूछ रहा है, दोनों मतलब और, तो और का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ सात का भी और ग्यारह दोनों, तो सात वाला एक बट्टे छह और मतलब प्लस, अरे कितना हो गया एक बट्टे अठारह, एलसीएम ले लो अठारह, छह अठारह और एक चार बट्टे अठारह, मतलब दो बट्टे नाइन है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलो स्टार्ट, ए बैग कंटेन पांच व्हाइट बॉल सात रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैबिंग रेड बॉल। हम कल बताए थे ऐसा क्वेश्चन कल करवाए थे, अगर रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछा तो रेड ऊपर होगा, हाँ रेड कितना है सात, टोटल बारह सही है, रेड बोला तो रेड सात होगा, भले व्हाइट क्या बोलते व्हाइट बोलता तो व्हाइट ऊपर होता, रेड बोला तो रेड ऊपर होगा, टोटल बारह। अच्छा एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन सेट में भी करवाए थे, बस वहां पे हाँ हाँ पी ए यूनियन बी था यहाँ, और वहां था एम ए यूनियन बी, तो याद कर वहां सिर्फ एम था एन, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कॉमन बी, ऐसा हुआ ये ना जी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कॉमन बी। अब याद कर यहां पे कॉमन का वैल्यू निकालना है, यूनियन निकालना है, और पी ए का मान कितना दिया है तीन बट्टे पांच, दो बट्टे तीन, और पी बी दिया है चार बट्टे नौ, और चौदह बट्टे पैतालीस, यही ना जी? पी ए यूनियन बी अगर हम बात करें तो एलसीएम आ गया पैतालीस, आया तो तीन पंद्रह 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 दूनी तीस, नौ पच्चे बीस, ए फोर्टीन, पी ए यूनियन बी बराबर छत्तीस बट्टे पैतालीस, नौ चौका छत्तीस, चार नौ पच्चे पैतालीस, चार बट्टे पांच, आया सेम क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला सीख ले, सेट में भी बताए थे फॉर्मूला, तो लोग एग्जाम में जाके कंफ्यूजा मत जाना, पी ए पी बी, समझ आ रहे हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस ए कॉमन क्या हो गया बी, मतलब यूनियन है तो कॉमन होगा, अगर यहाँ यहाँ कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, पी ए का मान कितना हो गया तीन बट्टे आठ, एक बट्टे तीन, एक बट्टे चार, एक चौबीस सेल्सियम होगा, और आठ तिया मतलब नौ, तीन अट्ठी चार छ सत्रह में छह, ग्यारह बट्टे चौबीस, सही है क्या? चलो बस वहां ए यूनियन बी चल रहा था, यहाँ ई यूनियन एफ,
खाली नाम चेंज किया ही है, फॉर्मूला वैसे ही होगा। पीई यूनियन एफ बराबर पीई प्लस पी एफ माइनस पीई कॉमन एफ आया, और पी का मान 0.35 और 0.85 माइनस 0.15। तो याद कर, हाँ ये तेरा दिया है, यूनियन का वैल्यू दिया है 85, पी दिया है 0.35, पीएफ निकालना है। एक मिनट, यहां मिस्टेक किया, क्वेश्चन मिस्टेक किया, हम नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये हम मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा था। चलो ये पीएफ निकालना है, कॉमन का मान दिया है, चलो बहुत अच्छा। तो 0.85 और 0.35 में 15 मतलब 0.20 और एक तरह पीएफ हुआ आया, 20 इधर ले आओ, 0.65 पीएफ का मान, समझ आ रहा है? चलो ये करो, बस एक दो बचा हुआ है, बस मतलब लगभग खत्म ही हो गया। ऑन किए थे उसने, ऑन नहीं किए थे क्या? स्टार्टिंग से आवाज आया, देखो तो नहीं आया आवाज। चलो देख लो, इसका मतलब समझ गया। तो क्या होता है, पीए प्लस पीए बार या पीए डैश बराबर हमेशा वन, कल बताया है। तो कभी भी पीए डैश पूछेगा तो वन माइनस क्या हो जाएगा, पीए, और पीए का मान तेरा दिया हुआ है कितना, 2/11, तो पीए डैश यहाँ 9/ क्या हो गया, 11। तो पीए प्लस पीए डैश बराबर वन, और तुमको पीए डैश पूछ रहा है तो वन माइनस पीए, और पीए का मान दिया। अब याद कर, पीए का मान दिया है, पी भी दिया है, अब पूछ रहा है यूनियन। तो पिछला क्वेश्चन में क्या होता था, यूनियन ए दिया है, बी दिया है, और कॉमन का मान दिया रहता था, लेकिन आज नहीं दिया, पता है, क्योंकि उसको पता था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसके जगह हम दिए, तो पी ए कॉमन बी के जम वैल्यू जो देता था आज उसके जम क्या दिया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ना कि अगर कॉमन जहां होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। तो जान रहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के जगह में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए कॉमन बी के जम जीरो होगा, तो फिर वो डाटा क्यों देता, वो डेटा क्यों देता, वो जान रहा था हम क्यों दे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जीरो हो जाता है। तो जब ये जीरो हो गया, पीए पीबी डाल दिया,
तो मतलब समझ जाना जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इसका वैल्यू दिया नहीं रहेगा बल्कि जीरो ले लेना अपने से। अब याद करें सवाल है, तो यूनियन बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कॉमन बी। समझ आ रहा है? अब याद कर पी ए कितना दिया है जी, यूनियन दिया है 0.8, या यूनियन भी दिया है और पी ए नहीं दिया है, हाँ पी भी दिया है और इस बार कॉमन दिया है 0.3। ये ना क्या है, ए वाला पार्ट इधर आ गया, 0.8 प्लस 0.1.1 ही हुआ। अब ए पर आया पी ए प्लस कितना पी बी, ए मान आया, लेकिन पी ए प्लस पी बी नहीं चाहिए, पी ए बार प्लस पी बी बार चाहिए। तो याद कर यूनियन दिया कॉमन दिया, तो भैया जितने दिया उतने का वैल्यू निकाले। अभी ए और बी इस बार नहीं दिया था, पर समझ आ रहे क्या बोल रहे, यूनियन का वैल्यू दिया कॉमन का वैल्यू दिया तो उधर गया, तो पी ए प्लस पी बी बार का वैल्यू एस, पी ए प्लस पी बी नहीं दिया तो इसने रह गया। अब याद कर कौन है जी, अब याद कर ए तुमको निकालना है पी ए बार प्लस क्या पी बी बार, ए निकालना है और मेरा निकल के वाला आया, तो यहाँ पे ए नहीं चाहिए पी ए बार चाहिए, पी बी नहीं चाहिए पी बी बार चाहिए। तो याद कर पी ए बार बराबर तुम जानता होगा 1 माइनस पी ए, जानता है क्या? Yes, sir. क्योंकि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1, तो पी ए बेस बराबर या पी ए बार बराबर 1 माइनस पी, तो पी बी बार बराबर क्या होगा 1 माइनस पी बी होगा। अब तू ही बताओ एक और एक कितना हो गया 2, मतलब यहां तक बना के छोड़ दिए, फिर हम कहां से आ गए क्वेश्चन में आ गया, यहां तक बना के हम क्या कर दिए छोड़ दिए, यहां तक बना क्या कर दिए, यहां तक बना क्या कर दिए, और तुम कहां फिर आ गया क्वेश्चन से, तो पी ए बार बराबर क्या हो गया 1 माइनस पी ए और पी बी बार बराबर हो गया 1 माइनस पी बी। अब याद कर ये कॉमन ले ले पी ए और ले ले पी बी लिया, तो याद कर यहां से आ गया, यहां से आ गया 2 माइनस 2 माइनस, और पी ए प्लस पी बी का मान दिया हुआ है कितना 1.1, तो 1.1 तो 2 में 1 जाएगा 1, लेकिन 0.1 ज्यादा घट रहा है तो 0.9 ऑप्शन नहीं है। हाँ बोलो, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में 9 कर दो, ठीक है आज रहने दो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी यहां से खत्म हो गया।